समिति से आप जुड़िए और मैं इससे जुड़ा आज तकरीबन 4,500 मिले हो गए। मेरठ के हापुड़ रोड स्थित एक निजी भवन में मंगलवार को सैफी संघर्ष समिति पंजीकृत का प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हसीन अहमद सैफी ने कहा कि समाज को बिना दहेज के शादी करने की नीति पर काम करना होगा और बहू को ही बेटी समझने की जरूरत है। समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए आपसी भाईचारा बनाकर भेदभाव मिटाने पर अधिक ध्यान देना होगा। समाज से जुड़े कई मुद्दों को लेकर भी सम्मेलन में चर्चा की गई। सैफी समाज के लोगों ने COVID-19 से बचाव के लिए निर्धारित किए गए नियमों का पालन किया। इस कार्यक्रम का संचालन हाजी इरफान एवं रहीमुद्दीन बावली किया। विशिष्ट अतिथि कारी सफीक उर रहमान, हाजी इसरार सैफी, आरडी गादरे, इनाम सैफी, अखलाक प्रधान, नईम सैफी, इमरान सैफी, रिजवान महबूब, हाजी नूर मुजफ्फर अली, हाजी इकबाल मुस्तफा सैफी, डॉक्टर नईम, मोहम्मद ताहिर मौजूद रहे। आज जो है सैफी संघर्ष समिति का एक प्रोग्राम रखा गया जिसमें दिगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाहर से आए हैं। जो बिरादरी के अंदर बिगाड़ चल रहा है और जो कुछ हम लोगों ने अपने अपने दिगर राय रखी हैं और बड़े सम्मानित लोग हैं, इनको सम्मान दिया जा रहा है। कुछ हमारे पदाधिकारी हैं उनको बदला भी जा रहा है, उन्हें कुछ ऊंचे पदों से नवाजा भी जा रहा है। और एक बिरादरी के अंदर एक नया मैसेज देने के लिए हम लोग जो दहेज को लेके बहुत ज़्यादा लोगों में बिगाड़ पैदा हो रहा है उसको लेके भी चर्चा चल रही है। हमारे सरपरस्त कारी साहब बैठे हैं, वो आपको तफसील से और बताएंगे। दहेज के बारे में हम लोग काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें बिगाड़ चल रहे हैं। अभी आप लोग देख रहे होंगे, आपके माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि कारी या मौलाना निकाह नहीं पढ़ा रहे, जहाँ डीजे बज रहे हैं या मामला ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। तो हमारी उलमाओं से यही अपील है, ये काम हम तो नहीं कर सकते, हमारे उलमा कर सकते हैं कि वो अपील करें जहाँ भी गाने बाजे हों वहाँ पे निकाह ना पढ़ाएं। सियासत में भी हम लोग अभी जो है, हम ये एक हमारा सामाजिक है प्रोग्राम है, हम कभी किसी को समर्थन नहीं देते। हम अपने समाज के लिए जो है आवाज़ उठाएंगे। 2022 में हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश से हमारे नुमाइंदे आएँ और दिगर जगह से इलेक्शन लड़ें, हम उनकी मदद इंशाल्लाह समाज के लोग करेंगे। बिल्कुल दक्षिण से अगर हम लड़ाएंगे तो सैफी समाज को लड़ाएंगे, किसी को हम वोट नहीं देंगे, ना ही हम बैनर पर पोस्टर लगा के अपना किसी को समर्थन देंगे। वो सोसाइटी है बिकाऊ होती हैं जो बैनर लगा के अपना जो समर्थन देती है, उनसे मैं अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उनसे दूर ही बना के रखें। प्रोग्राम जो इस वक्त हो रहा है सैफी समाज की तमाम लोगों को और बिरादरी को इकट्ठा किया गया है और मकसद इसका ये है कि समाज में जो बुराइयाँ पैदा हो रही हैं उन बुराइयों से समाज को कैसे बचाया जा सकता है। सबसे बड़ा मसला दहेज के लेन देन का है। ये दहेज के लेन देन ने बच्चियों की जिंदगियां ख़राब कर रखी हैं। जवानी बच्चियों की अपने घरों में गुजर रही हैं, उनके शादी नहीं हो पा रही दहेज की लानत की वजह से। आज ये लानत जो है इसमें सब लोग गिरफ्तार हैं। लिहाजा पूरे समाज को यहाँ इसकी रहनुमाई की जा रही है कि किस तरह से हम इन सामाजिक बुराइयों से अपने सैफी समाज को बचाएं, दूसरे तमाम मुस्लिम लोगों को बचाएं। मुसलमानों के अंदर से ये लानत ख़त्म होनी चाहिए। एजुकेशन के मामले में इंतहाई दर्जे के पिछड़े हुए लोग हैं हम। इसी माध्यम से हम ये चाहते हैं कि एजुकेशन में हम भी और हमारी बच्चियाँ भी आगे बढ़ें, आपस के अंदर इत्तेफाक व मोहब्बत का मामला हो। हम इस मुल्क की जिस तरह खिदमत करते चले आए हैं, हम इस मुल्क के सच्चे खादिम बने, हम इस मुल्क के अंदर भाईचारे के पैगाम को पहुँचाएँ, आपस में एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत को बाँटें। ये है असल मकसद यहाँ पर बैठने का और ये सारी इस वक्त में ये इजलास बुलाने का। तो दहेज को लेकर कोई सॉलिड फैसला जी, ये फैसला लिया जाएगा, सुनाई जाएंगी सारी बातें यहाँ पर भाई। जब भी तो फैसला लेंगे, पहले समाज को सारा पैगाम देंगे हम अपना, समाज को पैगाम पहुँचने के बाद में फिर उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। दोस्तों, वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़े और गृह कलेश का एक बड़ा कारण दहेज की मांग भी है। यदि आज हम सब इस प्रथा को खत्म करने का काम करते हैं तो दहेज हत्या और महिला उत्पीड़न जैसी घटनाओं पर लगाम लगा सकते हैं। इस पहल से समाज में एक बेहतर संदेश भी जाएगा। सामाजिक लोगों द्वारा सालों से चली आ रही दहेज प्रथा को खत्म करना आपको कितना सही या कितना गलत लगता है? दोस्तों, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।